हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। एक्सरसाइज 1.1 एपिसोड नंबर 2। हम लोग पहले ही एपिसोड नंबर 1 कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। एपिसोड 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए थे क्लास 10 का। अब 2 में आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सो दैट द वन एंड ओनली वन आउट ऑफ एन एन प्लस 2 एंड एन प्लस 4 इज डिविजिबल बाई 3 वेयर एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो एन एन प्लस 2 और एन प्लस 4 ये तीनों में से कोई भी एक आपका क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो देखिए, लेट एन, एन जो है उसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर के रूप में लेट करते हैं, जो क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो हम लोग यूजिंग प्लीज डिविजन लेमा का यूज करेंगे। वी हैव जैसे फार्मूला क्या होता है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो जहाँ क्या होगा, आर का वैल्यू 0 से ग्रेटर और इक्वालिटी होगा, बी से लेस देन होगा। और ए इक्वल्स टू क्या हो गया, एन हो गया, और बी इक्वल्स टू कितना है, 3 दिया हुआ। तो देन क्या हो जाएगा, एन इक्वल्स टू 3Q प्लस आर हो जाएगा, यानी बी के प्लेस में 3 इक्वेट कर दिए, ठीक है। और आर का वैल्यू जो 0 से ग्रेटर इक्वालिटी होगा, इक्वालिटी होगा, बट लेस देन क्या होगा, 3 होगा, ठीक। इक्वेशन 1 करते हैं, यानी आर का वैल्यू 0, 1, 2 तक लेंगे और इक्वेशन 1 में पुटअप करते जाएँ। पुटअप करेंगे बारी बारी से तो इतना आएगा। फिर आपका सेकेंड टाइम पुट करेंगे 1 तो इतना आया। थर्ड टाइम में 2 पुट करेंगे, वो आर के प्लेस में इतना आया। केस 1 में चलते पहले एन इक्वल्स टू 3Q, एन इक्वल्स टू 3Q जो एन के प्लेस में हम लोग इक्वेट करेंगे, जो पहला शुरुआत में आपका दिया हुआ है एन, तो इसमें इक्वेट करेंगे हम लोग एन का वैल्यू 3Q, ठीक है। तो कितना होगा, 3Q होगा, जो क्या हो गया आपका, ये आपका 3 से डिविजिबल है। बाकी दोनों हैं एन प्लस 2 जो एन के प्लेस में पुटअप करेंगे, ठीक है। तो 3Q पुटअप करेंगे और फिर एन के प्लेस में एन प्लस 4 में एन के प्लेस में 3Q पुटअप करेंगे। तो ये तीनों में से केस 1 में आपका सिर्फ फर्स्ट वाला डिविजिबल है। फिर इसी तरह सेकंड केस में आपका आर का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो एन इक्वल्स टू 3Q प्लस आर 1 हो गया। एन इक्वल्स टू 3Q प्लस 1 पहला एन में प्लेस एन के प्लेस में पुट किया तो इतना हुआ। एन प्लस 2 के प्लेस में पुटअप करेंगे, ऐड कर देंगे तो आपका 3Q प्लस 3, यानी 3 कॉमन आएगा, इतना हो गया। अब जो 3 रेड लाइन मिस क्या होता है, आपका जो डिविजिबल वही रेड लाइन शो कर रहा है। 3 जो होगा 3 से ही क्या होगा, डिविजिबल होगा। और एन प्लस 4 एन के प्लेस में 3Q प्लस 1 इक्वेट करते हैं तो ये आपका 3Q प्लस 5 जो आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं केस नंबर 3। तो एन इक्वल्स टू 3Q प्लस 2 हो गया, ठीक है। तो n के प्लेस में हम लोग पुटअप करते 3Q प्लस 2 तो इतना रहेगा, जो 3 से डिविजिबल नहीं है। n प्लस 2 n के प्लेस में 3Q प्लस 2 पुट करते हैं तो कितना है, 3Q प्लस 4, ये भी आपका 3 से डिविजिबल नहीं। n प्लस 4 इक्वल्स टू 3Q, देखिए n के प्लेस में 3Q प्लस 2 पुट कर दिए, ठीक है। तो कितना हो गया, ऐड करेंगे तो 3Q प्लस 6, यानी यहाँ से 3 कॉमन आ गया, तो क्यू प्लस 2 यानी 3 जो शो कर रहा है 3 से डिविजिबल है। तो इस तरह से हम लोग रेड लाइन जो है आपका क्या बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है 3 से डिविजिबल है। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 2 हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, तो इसमें क्या 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 बोला गया, सो डैट द एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 4Q प्लस 1, 4Q प्लस 3, और जहाँ क्यू क्या है, सम इंटीजर है, ठीक है। हम लोग को इसको इस फॉर्म में लाना है, जो 1 और 3 क्या कर रहा है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर बता रहा है। लेट एन बी वी आर गिवन पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑन डिवाइडिंग एन बाई 4। एन को हम लोग 4 से डिवाइड देंगे तो लेट क्यू क्या हो गया, आपका क्वेश्चेंट हो गया। आर क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो हम लोग इक्वल्स डिविजन लेमा का प्रयोग करेंगे फॉर्मूला का। तो एन इक्वल्स टू क्या, ए के प्लेस में एन है और बी के प्लेस में कितना हो गया, 4 है, तो 4Q प्लस आर हो गया, जहां आर का वैल्यू 0 से ग्रेटर और इक्वालिटी होगा बट लेस देन 4 होगा, यानी लेस देन 4 मीन्स के आर का वैल्यू 0, 1, 2, 3 हो गया। अब बारी बारी से इक्वेशन 1 में पुट कर दें आर के प्लेस में तो क्या हो जाएगा आपका, जब हम लोग 0 पुट किए हैं तो 4Q आया, 1 पुट किए तो एन इक्वल्स टू 4Q प्लस 1, और 2 पुट किए तो एन इक्वल्स टू 4Q प्लस 2 हो गया, ठीक है। बट एन इक्वल्स टू 4Q, ठीक है, ये 4Q प्लस 2 जो है, ये दोनों जो क्या है आपका, इवन वैल्यूज़ है। अब बाकी इवन वैल्यूज़ है, ओके, इवन वैल्यूज़ है ऑफ एन हो गया, ठीक है। थस व्हेन एन इज ऑड, जब एन ऑड होगा तो क्या, इट इज़ द फॉर्म 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3 जो है आपका, इस तरह से प्रूफ हो जाएगा फॉर सम इंटीजर क्या है, क्यू है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग कंप्लीटेड हो गया।
क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा ये होमवर्क के लिए, सो डैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6m+1, 6m+3 और 6m+5 फॉर सम इंटीजर m। ये आप लोग होमवर्क में बना कर लाना है, आपका जो जो अभी पिछले प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया उसी टाइप का ये भी बनेगा। इसी तरह से हम लोग ये एपिसोड नंबर 2 कंप्लीट करते हैं। यदि किसी टाइप का डाउट होगा तो ज़रूर पूछिएगा, आपको सेंड कीजिएगा क्वेश्चन। थैंक यू।